हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करूंगा सब एकदम बढ़िया होंगे। दोस्तों, वीडियो के अंदर बात करेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 12वीं किस्त कौन कौन से किसानों को दी जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखते रहे, मगर उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह की वीडियो हम डालें तो उसकी जानकारी आपके पास पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत एक साल के अंदर किसानों के बैंक अकाउंट में 6000 रुपये भेजे जाते हैं, जो कि 4-4 महीने के अंतराल में 2000 रुपये के रूप में किसानों के बैंक अकाउंट में डाले जाते हैं। और दोस्तों, अभी मई के आसपास किसानों के बैंक अकाउंट में पीएम किसान योजना की 2000 रुपये की 11वीं किस्त भी डाली जा चुकी है। अब दोस्तों, बात आती है 12वीं किस्त को लेकर। तो दोस्तों, आपको बता देते हैं कि जो अब 31 जुलाई है, इसके बाद आपको 12वीं किस्त कभी भी मिल सकती है। और दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2000 रुपये की 12वीं किस्त केवल उन्हीं किसानों को दी जाएगी जिन किसानों ने अपनी EKYC पूरी कर ली है। जी हाँ दोस्तों, जिन किसानों ने पीएम किसान पोर्टल पर जाकर या फिर किसी भी CSC वगैरह कोई भी सेंटर पर जाकर EKYC कर ली है, उन्हीं किसानों को पीएम किसान योजना की 12वीं किस्त के लिए पात्र माना जाएगा। या फिर आप दोस्तों यूँ भी कह सकते हो कि 12वीं किस्त केवल उन्हीं किसानों को दी जाएगी जिन किसानों ने अपनी EKYC पूरी कर ली है। अभी दोस्तों, आपको नहीं पता EKYC करनी है तो उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, आप उस साइट पर जाकर या वीडियो पर जाकर EKYC देख सकते हो कि आपको EKYC कैसे करनी है। ओके दोस्तों, धन्यवाद। जय भारत।